स्कूल्स जो हैं हम पढ़ा रहे हैं 18वीं सदी का एग्ज़ाम सिस्टम है, 19वीं सदी का हमारा जो है वो टाइम टेबलिंग है, 20वीं सदी का निसाब है, 21वीं सदी की टीचर्स हैं और 22वीं सदी के तालिब इल्म हैं। अगर कराची की सड़कें टूटी हुई, अगर मैं क्रिएटिव हूँ मैं तो आज यहाँ पे तैरने वाली गाड़ी बनाऊँ कराची में, क्योंकि जो सड़कों का हाल है और जितना पानी है ये तो सिटी ऑफ वेनिस बन जाएगा। हार्वर्ड ने कैटेगराइज कर दिया स्किल्स को कि एक हार्ड स्किल्स होते हैं और एक सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। बहुत सारे स्किल्स हैं जिससे इंसान अपनी वैल्यू को एनहांस कर सकता है। आई एम श्योर आप भी काफी स्किलफुल पर्सनालिटी हैं, इतने सारे आपने काम किए, आप क्या एडवाइस करेंगे यंगस्टर्स को स्पेशली, वो कौन सा ऐसा स्किल है जिसे वो प्रायोरिटाइज करें? क्यों? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद योर जर्नी। आपका माशाल्लाह मैंने खुद भी देखा कि एक बहुत तवील जर्नी रहा एजुकेशन के अंदर, वन ऑफ द फ्यू नेम्स आई वुड से जो कि एजुकेशन में बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम करें। मुझे खाली आपका जर्नी नहीं पूछना, मैं चाह रहा हूँ कि आप ये भी बता सके कि आपके पिन पॉइंट्स क्या थे, वो फैक्टर्स क्या थे जिसकी वजह से आपकी जर्नी में काफ़ी सक्सेस रही। The biggest pinpoint is by the time you reach an age of self-actualization, जो इकबाल की खुदी है ना, जब आपको शाहीन बनना पता लग जाता है, तो मुझे जल्दी समझ आ गई। तकरीबन मैं समझता हूँ 21 साल की एज में मैं शाहीन बनना, सेल्फ एक्चुलाइजेशन खुदी को समझा, पिनपॉइंट नंबर वन। पिनपॉइंट नंबर टू ये है कि एक प्रोफेशन है एक पैशन है, अगर दोनों इकट्ठे मिल जाएँ देन नथिंग लाइक इट। वो तो ऐसा है कि दीन भी और दुनिया भी, लेकिन अगर एक भी चीज़ मिल जाए तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है। सो मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि मेरा प्रोफेशन मेरा पैशन है। दूसरा पिन पॉइंट ये है कि आपने हमेशा अपने आप का कॉम्पिटिशन अपने आप से ही करना है। यू हैव टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एवरीथिंग दैट यू डू। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन शैल मेक यू अ डिसरप्टर एंड विल क्रिएट द वैल्यू of your idea, business proposition as an entrepreneur. Beautiful. मतलब पुरानी चीज़ को अगर आप नई किताब या गिटार के साथ चलाएंगे इतना मज़ा नहीं आएगा जितना नया कॉन्टेंट क्रिएट करके आप कोक स्टूडियो बनाएंगे। Beautiful, beautiful. क्रिएटिविटी की आपने बात की, आई हैव बीन सीइंग के रूट्स TMUC माइट सम रियली क्रिएटिव इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन इंडस्ट्री। आई हैव बीन वर्किंग एजुकेशन ऑलमोस्ट अ डेकेड, बट आप जो काम कर रहे हैं काफ़ी क्रिएटिव काम कर रहे हैं। व्हाट्स योर क्रिएटिव प्रोसेस, आपकी क्रिएटिविटी का प्रोसेस क्या है? मेरा यह है कि ब्रिंगिंग द अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड एट होम। सो द वर्ल्ड इज़ मूविंग वेरी फास्ट, दुनिया बहुत आगे चली गई है, और जब हम तालीम और तदरीस की बात करते हैं खाली निसाब और क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता, फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं, स्टेम एजुकेशन का क़याम होता है, रोबोटिक्स एजुकेशन होती है, कॉलेजेस एंड स्कूल्स में करियर काउंसलिंग होती है, कोचिंग मेंटरिंग SAT exams, applications, portfolio development, और ज़रूरी नहीं कि आप बरतानिया डिग्री करने जाओ जब बरतानिया की यूनिवर्सिटीज़ आपको होम कंट्री में डिग्री करने की इजाज़त दे रही हैं। सो मेरा स्लोगन यही था कि इफ़ यू कांट गो टू द वर्ल्ड आई विल ब्रिंग द वर्ल्ड टू यू। ब्यूटीफुल, अमेजिंग, अमेजिंग। आपने काफ़ी अर्सा बाहर भी गुजारा, आई हैव सीन योर वर्क आउटसाइड, आपने डिग्री माशाल्लाह अपनी बाहर ली और आप कोलैबोरेट भी करें बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, क्या डिफरेंस देख रहे हैं बाहर के एजुकेशन सिस्टम और हमारे एजुकेशन सिस्टम में? व्हाट डू यू सी द व्हाट्स कॉन नॉट कॉमन फैक्टर्स आर नॉट देयर? वी आर नॉट एबल टू क्रिएट न्यू नॉलेज। हम रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन की तरफ हैं, जिसको आप उर्दू में रट्टा कहते हैं। वही कायदे आज़म के 14 नकात हम याद करते हैं और यूनिटी फेथ डिसिप्लिन का दावा करते हैं। आप मुझे बताएं कहाँ है नेशनल यूनिटी, कहाँ है नेशनल फेथ, और कहाँ है वो जो स्पिरिट ऑफ यू नो कम्युनिटी एंड नेशनहुड। सो आई थिंक दैट व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को पर्चा ड्रिवन नहीं बनाना। कौमों को नहीं चाहिए कि वो पर्चों पे करे खर्चा, क्योंकि इसका नहीं है चर्चा। ये जो मेट्रिक और FSC है ये बच्चों को पढ़ाती है व्हेन एंड वेयर। मैंने खुद मैट्रिक एंड FSC की है इसलिए, और मैं माशाल्लाह मेरे बड़े ज़बरदस्त मार्क्स थे, मैं कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में पढ़ा हुआ हूँ, मैथ्स में 100/100 थे, फिजिक्स में 99, केमिस्ट्री में 98-97, लेकिन आज मैं ये खुद बहैसियत एजुकेशनिस्ट कह सकता हूँ कि मैट्रिक एंड FSC व्हेन एंड वेयर, व्हेन वॉज पाकिस्तान क्रिएटेड, वेयर इज़ योर होम। अच्छा, इनके जवाब के अंदर सोचना नहीं पड़ता, याद करना पड़ता है। और ये जो इंटरनेशनल निसाब है, चाहे वो इंटरनेशनल बैकलॉरिएट का हो, ओ लेवल का हो, ए लेवल का हो, या वो अमेरिकन सिस्टम हो, ये आपको पढ़ाता है हाउ एंड व्हाई।
Exactly. Why are you taking this interview, Samad? How do you think we will be able to create a podcast? Right. So how and why, jab aapke dimaag mein aata hai, a process of thinking starts and that is called critical thinking. True, beautiful. Takhleeqi soch. So guzarish ye hai ki isko jo qaumi nisab hai, isko memorization, ratta se change karke isko skill oriented, knowledge oriented and cognitive and creative. इसको रिसोर्स करना है और खाली पर्चों से बच्चों की एकेडमिक असेसमेंट एंड एबिलिटीज को जज नहीं करना, क्योंकि तालीम के अंदर अब डिफरेंशिएटेड लर्निंग, डाइवर्सिटी एंड डिफरेंस आ चुका हुआ है. अब आप बच्चों को डिसएबल नहीं कहते, आप उनको डिफरेंटली एबल कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उन बच्चों को एक डिफरेंट एबिलिटी लेवल के साथ पैदा किया है. सो तालीम के अंदर बहुत ज़्यादा एक्विटी आ गई है, बहुत इंक्लूजन आ गई है, बहुत डाइवर्सिटी आ गई है. सो हमारे जो एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं उनको भी चाहिए कि वो अपनी क्वालिफिकेशंस को तरफ तरजीह दें और उनको स्टैंडर्ड को बेहतर करें. ये आपकी ONA लेवल की डिबेट ख़त्म हो जाएगी. जैसे हिंदुस्तान ने CBSE क्वालिफिकेशन को इस स्टैंडर्ड पर लेके आए हुए हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन को श्रीलंका में भी और बांग्लादेश में भी और सऊदीया में भी एज ए क्वालिफिकेशन लिया जाता है, जैसे हम ONA लेवल लेते हैं. तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी. तो ये हमें चाहिए कि हम मैट्रिक और FSC का जो निसाब है और जो उसका असेसमेंट रिजीम है और हमारी जो कैपेसिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर एजुकेशन टू टीच, वी शुड इंश्योर दैट देयर इज लर्निंग टेकिंग प्लेस, नॉट जस्ट टीचिंग. वेल, आई पर्सनली बिलीव दैट सक्सेस लीव क्लूज. मतलब कोई भी कामयाब इंसान गुजरा है तो अपने कदमों के निशान छोड़ गया है. बहुत सारे स्किल्स हैं जिससे इंसान अपनी वैल्यू को इन्हांस कर सकता है. आई एम श्योर आप भी काफ़ी स्किलफुल पर्सनालिटी हैं, इतने सारे आपने काम किए. आप क्या एडवाइस करेंगे यंगस्टर्स को, स्पेशली वो कौन सा ऐसा स्किल है जिसे वो प्रायोरिटाइज़ करें? क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये समझ नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि ओवरलोड है ना आज के दौर में, डिजिटल ओवरलोड है. एक आप सर्च करो एक वर्ड को, हज़ारों वीडियोज़ आ जाएंगी, हज़ारों कंटेंट क्रिएटिंग आइडियाज़ अवेलेबल हैं. पहले इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं था, अब कंटेंट क्रिएशन की बम्बार्टमेंट है. सो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लोग ये समझ नहीं आ रहे कि किस स्किल को, जो कि उनकी अकेडमिक लाइफ के लिए, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे प्रायोरिटाइज करें. आपकी एडवाइस क्या होगी? आई डोंट नो वेदर इट इज़ अ स्किल और वेदर इट इज़ एन एडवाइस और वेदर इट इज़ एन एट्रीब्यूट, बट इट्स कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन. जो भी लाइफ में करना है, इफ देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज, सिंप्लीफाई करें, कंटेंट को सिंप्लीफाई करें, लाइफ को सिंप्लीफाई करें. यू कांट हैव टू मेनी थिंग्स एट वन पॉइंट इन टाइम. आई मीन गॉन आर द डेज. यू इफ यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज योर मोटिव इन लाइफ. इफ इट इज़ टू क्रिएट अ प्रॉफिट, देन यू मस्ट मेक श्योर दैट यू प्रॉफिट द सोसाइटी वाइल यू क्रिएट अ प्रॉफिट. अगर आपने नफ़ा कमाना है, आप माशरे का भी नफ़ा करें. आप मेक श्योर करें कि आपकी कम्यूनिटी, आपके सिटीजन्स, आपके आस पास एंड गिरदोरवा के अंदर इम्पैक्ट हो. पाकिस्तानी बहसियत कौम बहुत एंटरप्राइजिंग एंड बहुत एंटरप्रेन्योरल हैं. यहाँ के ऊपर जो बयानिया है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखें स्कूल कॉलेज में हमारे ज़माने में छली वाला होता था और वो 10 रुपए की 20 रुपए की छली देता था और उस पर आप मसाला भी लगाते थे नींबू के साथ. अब वो छली वाला हमारे लिए छली वाला था. अब जब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो कराची के डॉलमन मॉल, लाहौर के पैकेजेस मॉल और इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में हमारे बच्चे कहते हैं, डैडी कैन आई हैव द स्पाइसी कॉर्न, कैन आई हैव द चिली कॉर्न, कैन आई हैव द गार्लिक कॉर्न. सो ज़रा सोचिए कि रेड़ी वाली छली एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बेचने को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है और उसको रेड़ी पे बेचने को छली वाला कहा जाता है. क्या ये थुल्ला तजाद नहीं? सो पहले आप अपना नैरेटिव ठीक करें कि टायर वाला भी बेचारा एंटरप्रेन्योर है, छली वाला भी एंटरप्रेन्योर है, जिसने रोड साइड कैफे खोला हुआ है वो भी एंटरप्रेन्योर है. सुपर हाईवे GT रोड के आसपास मियाँ जी की दाल से लेके जो छोटी मोटी आपकी आइसक्रीम शॉप्स हैं, वो सब ने एक अपॉर्चुनिटी के जरिए एक आइडेंटिफाई किया हुआ है रिसोर्सेज. सो एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी, एलोकेट रिसोर्सेज, टेक रिस्क एंड क्रिएट रिवॉर्ड. विदाउट रिस्क देर इज़ नो रिवॉर्ड. सो हमारे सोसाइटी के अंदर डे वन से बच्चों को बताया जाता है, बेटा आपने नौकरी करनी है, आपने रिस्क नहीं लेनी. मैं पाकिस्तानी वालदैन एंड माशरे को कहता हूँ, रिस्क में ही रिस्क है. अल्लाह ताला भी कहता है कि आप रिस्क लो, तिजारत करो, मामलाते ज़िंदगी को बेहतर करो. तो पाकिस्तान को अगर आपने कोई एडवाइस देनी है, एक तो वो अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करें, दूसरा ये कि
कि आप रिस्क टेकर बने, और तीसरा ये कि आपने नौकरी करनी नहीं, नौकरी क्रिएट करनी है। अब लोग ये कहेंगे यार तुम्हारी तो शक्ल ही नहीं नौकरी क्रिएट करने के लिए, वो ठीक हो जाती है शक्ल एक दो बार जब आप फेल होते हो और आप एंटरप्राइजिंग बनते हो। यू हैव टू हैव अ बिग आइडिया, यू हैव टू टेक दैट नॉलेज। I'm going through different stats. Recently, मैं एक सेमिनार रोटरी के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा था, मैंने वहाँ बात की लोनलीनेस पर, एंड सरप्राइजली दैट वीडियो गोज इन टू मिलियंस, एंड मैंने रियलाइज़ किया कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टैट्स इस वक्त जो हमारे यंगस्टर्स हैं मिलेनियल्स, इनका एक बहुत बड़ा चैलेंज है एनजाइटी, इनका एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोनलीनेस। कहा जा रहा है जो करंट जनरेशन है मिलेनियल्स की, ये लोनलीस्ट जनरेशन है, इनके आपस में वो कनेक्शंस नहीं, आपस में वो कनेक्टिविटी नहीं है। What do you think? What's your take on? What's your no, advice? No. They are not lonely. They are become the slave of technology. इनको टेक्नोलॉजी ने अपना गुलाम बना लिया है। मैं बच्चों को कहता हूँ, be the master of technology. इस मोबाइल फोन को अपने ऊपर हावी ना होने दो। So what has happened is कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो डिजिटल नेटिव्स थे, वो टेक्नोलॉजी के अंदर पुराने जमाने में वो पैदा हुए होंगे। एक होता है डिजिटल इमिग्रेंट्स, बुजुर्ग जो हैं वो डिजिटल इमिग्रेंट्स थे, उन्होंने इमिग्रेशन हासिल की है टेक्नोलॉजी में। बच्चे जो हैं वो डिजिटल नेटिव्स हैं, ठीक है जी, तो ये टेक्नोलॉजी में पैदा हुए हैं। अब ये देखते हैं कंटेंट, अब इनको नेटफ्लिक्स मिल गया, अमेजोन मिल गया, प्राइम मिल गया, फिर ये इनको फेसबुक मिल गया, ट्विटर मिल गया एंड इंस्टाग्राम मिल गया। तो इनकी जो नेशनल आइडेंटिटी है वो आईडी कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस से वो ओवरशेडो हो गई है, हाईजैक हो गई है डिजिटल आइडेंटिटी से। सो ये टेक्नोलॉजी के गुलाम बन गए हैं। अब वो इंस्टा और वो फेसबुक से वैलिडेशन है, हैप्पीनेस पे खुद ही पोस्ट लगाएंगे कि मेरे फ्रेंड्स ने लाइक नहीं की, अगर डिसलाइक की है तो उसके साथ नाराज़ हो जाएंगी। अब तो बच्चों की लड़ाइयाँ सड़कों पर होती नहीं है, तो फेसबुक पर हो रही हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि फेसबुक इज़ ऑल्सो अ फेक बुक। मैं पहले तो मैं अपनी कौम को कहूंगा, जिस माशरे ने मजहब की किताब फेथ बुक को नहीं पढ़ा तो वो फेसबुक को क्या समझेगी। सो जिंदगी को सिंपलीफाई करें। और आपने लोनलीनेस तो इनकी है कि ये एक अगर स्ट्रेंजर थिंग्स देखेंगे तो लोनली होंगे ना जी। आप मुझे बताएं कि अगर ब्लू व्हेल खेलेंगे तो लोनली होंगे। तो जनाब वापस वालदैन को मेरा ये है, इसमें पेरेंट्स का भी कसूर है कि आप अपने बच्चों को प्रेजेंट्स ना दें, प्रेजेंस दें। उनको आपके तोहफे नहीं चाहिए, उनको आप चाहिए। वापस लाओ वो लूडो, वापस लाओ वो चिड़ी छिक्का, वो होम गार्डन, रिवर, सी, ओशन, वो स्टापू, वो टम्बोला किधर गई? वो घर के अंदर बल्ला, वो घर के अंदर विकेट, वो गपशप, वो फ्रिस्बी, वो वॉक। तो ये हमने देखना है कि जी चार फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं और व्हाट्सएप पे जोक शेयर हो रहा है और सारे साइमल्टेनियसली हंस रहे हैं, तो ये तो हमने अपने आप को बहैसियत ह्यूमन रेस अपने आप को टेक्नोलॉजी की गुलामी में डाल के लोनलीनेस का शिकार किया है। आप मोबाइल को साइलेंट पे करें, और आपके मोबाइल्स का पासवर्ड होना चाहिए पाकिस्तानियों का टॉक टू ईच अदर। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत आपने बात की प्रेजेंस के ऊपर। मैं समझता हूँ हार्वर्ड ने कैटेगराइज कर दिया स्किल्स को कि एक हार्ड स्किल्स होते हैं और एक सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। इन फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स आई बीन वर्किंग अराउंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, मैंने नोट किया कि हमारे हार्ड स्किल्स पर बहुत फोकस है और सॉफ्ट स्किल्स पर तवज्जा नहीं है। और जबकि सबको पता है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेर एवर यू गो इट्स ऑल कम्युनिकेशन। सबको पता है इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीबडी नो दैट टाइम मैनेजमेंट इज द किंग। जापान की फिलोसफी आपके सामने, उन्होंने टाइम की फिलोसफी को लेकर आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारे एज एजुकेशनर्स आई वॉन्ट टू आस्क, बिकॉज आप एक टीचर भी रहे हैं, आप इतने इदारे को लेट करें, स्कूल, ओनर्स, डिफरेंट थिंग्स यू आर डूइंग, हम सॉफ्ट स्किल्स को प्रायोरिटाइज क्यों नहीं कर रहे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा तालीमी निज़ाम और पूरी दुनिया का, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, प्रिंसटन, बातें ये भी बहुत अच्छी अच्छी करते हैं और मूक्स बनाए हुए हैं, मैसिव ओपन सोर्स ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं, ठप्पों के सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। भाई आप इनसे ये पूछो, अगर एक बच्चा जो डिफरेंट लर्निंग एबिलिटी का है, ज़रूरी नहीं उसने ओ लेवल के अंदर 11 सब्जेक्ट्स में ए स्टार लिया हुआ है या मैथ्स में सिंध बोर्ड के अंदर गोल्ड मेडल लिया हुआ है, बट वो एक आर्टिस्ट है, वो एक ह्यूमनिस्ट है, वो एक ईदी फाउंडेशन का सोशल वर्कर है, वो चीपा के साथ कम्युनिटी सर्विस करता है, तो आप इनसे ये पूछो कि आप बच्चों को खाली एग्ज़ाम और रिजल्ट की बेसिस के ऊपर दाखिला क्यों देते हो? दुनिया का जो पूरा तालीमी निज़ाम है इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ड्रिवन और पर्चा ड्रिवन रखा हुआ है। बात ये पोर्टफोलियो की करते हैं, ह्यूमैनिटी की करते हैं और ह्यूमन इक्विटी की करते हैं,
बट सोशल एंड इमोशनल कोशन को तरजीह नहीं देते। इसी चक्कर के अंदर आके हमारा तालीमी सिस्टम जो है वो नॉलेज डिसमिनेशन एंड नॉलेज असेसमेंट एंड अटेनमेंट की तरफ फोकस करता है। सॉफ्ट स्किल्स जो कि मैजिक है, इंटरपर्सनल स्किल्स, उधर फोकस नहीं करता। नाउ नो वन कैन सस्टेन द मॉडर्न डे वर्ल्ड। द ह्यूमैनिटी हैज रीच्ड 8 बिलियन मार्क डे बिफोर यस्टरडे। 8 अरब दुनिया की ह्यूमैनिटी हो चुकी है। 63% पाकिस्तान, 63 इज अंडर द एज ऑफ 30 एंड यू नो 18% पाकिस्तानीज आर यूनिवर्सिटी गोइंग 18 to 21 ईयर्स ऑफ एज। अब मुझे बताएं विद सच अ यंग ग्रोइंग पाकिस्तानी पॉपुलेशन, तो हमें अपना जो डिजिटल आइडेंटिटी है जिसने हमारी कौमी शनाख्त को हाईजैक किया हुआ है, हमने उसको एज अ टूल यूज़ करना है, नॉट एज अ डेली प्रोसेस फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और जो हमारे तालीमी निज़ाम है इसके अंदर हमने डायलॉग, डिफरेंस, डिबेट, डिफरेंसिएशन को तरजीह देनी है, स्टैंडर्डाइजेशन। स्कूल्स जो हैं हम पढ़ा रहे हैं, 18वीं सदी का एग्ज़ाम सिस्टम है, 19वीं सदी का हमारा जो है वो टाइम टेबलिंग है, 20वीं सदी का निसाब है, 21वीं सदी की टीचर्स हैं और 22वीं सदी के तालिब इल्म हैं। तो ये पूरा का पूरा जो तालीमी निज़ाम है, तो आप मुझे बताएं कि आप 22वीं सदी के बच्चों को पढ़ा रहे हो 20वीं से 21वीं सदी के असातज़ा से, 20वीं सदी के निसाब से, 19वीं सदी के एकेडमिक कैलेंडर से और 18वीं सदी के एग्ज़ाम एंड असेसमेंट रिजीम से, तो क्या निकलेगा आगे से? फैक्ट्री मॉडल्ड, इनह्यूमेन, नॉन साइंटिफिक, फ्रेगमेंटेड, सैचुरेटेड, फ्रैक्चर्ड प्रोडक्ट। व्हाट डू यू कॉल दैट प्रोडक्ट? अ सिटीजन, अ ह्यूमन, अ प्रोडक्ट फॉर अ मॉडर्न डे वर्ल्ड? नॉट। दैट प्रोडक्ट इज नॉट ट्यून्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड दैट वी फेस टुडे इन द फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। व्हाट टू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, पावर्टी एलिवेशन, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो जनाब अगर कराची की सड़कें टूटी हुई, अगर मैं क्रिएटिव हूँ मैं तो आज यहाँ पे तैरने वाली गाड़ी बनाऊँ कराची में, क्योंकि जो सड़कों का हाल है और जितना पानी है ये तो सिटी ऑफ वेनिस बन जाएगा। तो मैं तो आई थिंक दैट इट इज़ अ ग्रेट आइडिया। आपके सुनने वालों को आप बता दें कि वो किश्ती बना वाली गाड़ी बनाए, क्योंकि जब पानी हो तो वो तैरना शुरू कर दें, वरना उनकी गाड़ी कुरंगी की सड़कों पर चले। एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने जो दुनिया की टॉप इदारे हैं, फेसबुक, गूगल, उन्होंने हुक किया, आज की जनरेशन को हुक कर लिया। और ये हुक किया कैसे? रिवॉर्ड के जरिए। रिवॉर्ड देते हैं, इमीडिएट रिवॉर्ड देते हैं। आज के दौर में देखा जा रहा है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, हर किसी को फॉरन चीज़ें चाहिए। मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है ना, तो मैं देख रहा हूँ तालिबे इल्म कह रहे हैं बस फॉरन रिवॉर्ड मिल जाए, फॉरन चीज़ें मिल जाए। आपकी जर्नी मैंने एक बात नोट की कि काफ़ी पेशेंस रहा है। मतलब आपने, आप खुद, आपकी वालदा ने एक छोटे से स्कूल से शुरू किया और आप इस्लामाबाद की बिगेस्ट चेन एजुकेशन की रन कर रहे हैं, कराची में फैंटास्टिक जॉब, ओवरऑल आपका प्रोफाइल एक बड़ा, एक माइंड बॉगलिंग प्रोफाइल है। ये इतना पेशेंस कहाँ से आया और ये इतना पेशेंस आएगा कैसे, जो आज की जनरेशन में तो हर चीज़ इंस्टेंट चाह रहा है, वो चाह रहा है फूड पांडा भी फ़ौरन आ जाए, गाड़ी भी फ़ौरन आ जाए। व्हाट डू यू एडवाइस ऑन दैट? पेशेंस, एंड्योरेंस, पेशेंस। मैं हमेशा बच्चों को, स्टाफ टीचर्स को कहता हूँ दैट यू सी देयर इज नो गेन विदाउट पेन, एंड पेन इज टेम्प्ररी जो लेनी पड़ती है। पेशेंस इज लिंक टू द पेन, बट प्राइड इज परमानेंट। ब्यूटिफुल। पेन इज टेम्प्ररी, प्राइड इज परमानेंट। पेशेंस, आई मीन बींग अ मेल वर्कर, मेरी वालदा ने मुझे बोला था बेटा ये प्रोफेशन पाकिस्तान में औरतों का है। आई डिफाइड द ऑड्स। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, अम्मी की ख्वाहिश थी मैं बनूँ, मैं बन गया। मैं बरतानिया में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स और IBM बिजनेस कंसल्टिंग के साथ मैं नौकरी करता था। लेकिन मैंने 5 साल काम करने के बाद एक दिन मैं PIA की परवाज 7-8-6 से पाकिस्तान पहुंच गया और मैंने कहा कि आई वुड लाइक टू राइट माई स्टोरी इन अ कंट्री वेयर इट इज़ मोर लाइकली टू बी रेड। मैं अपनी कहानी वहाँ लिखूंगा जहाँ वो पढ़ी जाए। मैं मुल्क से बाहर मैं नहीं पढ़ सकता। बहुत सा पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर आप ज़रूर ले जाते हो। यू कैन टेक अ पाकिस्तानी आउट ऑफ पाकिस्तान, बट यू कैन नेवर टेक दैट पाकिस्तान आउट ऑफ द पाकिस्तानी। तो वो तड़पता है। तो जनाब पेशेंस जो आता है वो ह्यूमन एंड्योरेंस से आता है, वो एक पर्पस से आता है। इफ़ द पर्पस इज टू मेक अ बिगर इम्पैक्ट एंड इट इज़ टू गेन फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एंड स्टूडेंट्स। और ये जो टीचर होते हैं बहैसियत एज अ एट्रीब्यूट, दे आर वेरी पेशेंट पीपल। बट आई एम अ टीचिंग एंड लर्निंग एंटरप्रेन्योर,
मैंने टीचिंग भी की है और मैंने एंटरप्रेन्योरशिप भी की है, आई हैव बीन टेकिंग अप प्रोजेक्ट्स एज वेल। सो मैं समझता हूँ कि मैं बहसियत उस्ताद वो फंक्शनल उस्ताद हूँ। बचपन में माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा अकाउंटेंट बने, वो बड़ा आदमी बने, मैं वो बन गया। अम्मी की ख्वाहिश पूरी करने के बाद मेरा दिल ये चाहता था कि मैं माशरे की खिदमत करूं, क्योंकि मैं भी एक टीचर का बेटा था और मैं देखता था कि मेरी वालदा कितना पेन लेती हैं और कितनी एक वो आपने जैसे बताया ग्रेटिफाइंग रोल है जो माशरे के अंदर। तो फिर मैंने एज अ प्रोफेशन टीचिंग एंड लर्निंग को अपनाया और मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत सलाह दिया। मैं एज अ काउंसलर काम किया, मैंने एज अ सब्जेक्ट टीचर टीचिंग की। तो मैं उस रेस्टोरेंट ओनर का बेटा हूँ जिसने किचन में भी काम किया है, फ्रंट डेस्क पे भी काम किया है, वेटर भी काम किया है और सारे सेगमेंट्स में डिपार्टमेंट्स में काम करके एज एन ऑलराउंडर मैं उस रेस्टोरेंट को मैनेज करता हूँ और इंस्पायर करता हूँ। आप मल्टीपल इदारों को लेड कर रहे हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। काफ़ी बड़ी टीम है आपकी जो कि इदारों को मैनेज कर रही है। आई एम श्योर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर काफ़ी चैलेंजेस आपको फेस होते हैं, इन फेसली जब एक बहुत बड़ी टीम मैनेज कर रहे होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि आपकी टीम या आपका इदारा बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है, उसमें बहुत से गैप्स होते हैं। किन चैलेंजेस को आप पर्सनली और आप इदारे लेवल पर अपने फेस कर रहे हैं? मेरा जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग। सो आई डू नॉट वांट टीचर्स बाय चांस, आई वांट टीचर्स बाय चॉइस। आई डू नॉट वांट टीचर्स बाय डिफॉल्ट, आई वांट टीचर्स बाय डिज़ाइन। सो टीचर एजुकेशन के अंदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एंड रेटिफिकेशन का सिस्टम वीक है। You cannot become a nurse without doing a nursing certification. Pilot आप training के बगैर नहीं बन सकते। Army officer, Navy, Air Force और Air Academy के बगैर नहीं बन सकते। Doctor आप MBBS के बगैर नहीं बन सकते, तो आप teacher क्यों बन जाते हैं? तो ये मेरे लिए एक challenge है, इसको मैं as a challenge भी समझता हूँ और इसको मैं as a opportunity भी समझता हूँ। So मैं समझता हूँ we need more professional certification and we need a framework for teacher progression and we also need teacher licensing. साइमन सेनेक, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑथर आई केम अक्रॉस इन माई लाइफ, किताब लिखी टीचर इज लास्ट, किताब में कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में और दुनिया भर में ना डिग्रियों का ज़माना टू सम एक्सटेंट काफ़ी रुक सा गया है। स्किल्स को बहुत आगे समझा जा रहा है और स्किल्स ही फ्यूचर है, बट उन्होंने बड़ी कमाल इंकशाफ किया अपनी किताब में कि स्किल्स भी एक पॉइंट पर स्टक होंगे और ज़माना आएगा एम्पथी का। मतलब आई पर्सनली दैट इंस्टीट्यूशंस नीड टू टीच दिस सब्जेक्ट एम्पैथी इन स्टूडेंट्स। ये फैमिली से भी आती है, एनवायरनमेंट से भी आती है, बट हम क्योंकि कल्चर स्केप में रहते हैं, कल्चर में एम्पैथी आपको कहीं है कहीं नहीं है। व्हाट्स योर रोल, व्हाट्स योर टेक ऑन रिगार्डिंग एम्पैथी? देखिए, एम्पैथी इज एब्सोल्युटली एन एम्बेडेड एट्रीब्यूट एंड इट्स अ वर्च्यू एंड ये निसाब के अंदर एम्बेडेड होनी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, पहले ज़माने में आप सिंपैथी शो करते थे। सो एम्पैथी की एग्जाम्पल ये है कि भाई आपने अगर आप एक घर के अंदर डोमेस्टिक सर्वेंट है, आप खाली उसका ख्याल ना रखो, उसको पढ़ाओ, उसको केयर करो, उसको सोशल इंक्लूजन एंड मेन स्ट्रीमिंग में लेके आओ। बेगर आपको मिलता है उसको पैसे ना दो, बल्कि अपने पाँव से जूती उतार के या उसको बाटा सर्विस की दुकान पे जाके जूती लेके दो। सो एबिलिटी टू शू रिस्पेक्ट ह्यूमन वैल्यू एंड वर्च्यू, एम्पथी हैज़ टू बी टॉट एज एन एम्बेडेड सब्जेक्ट और एज एन एम्बेडेड पार्ट ऑफ द कोर स्कूल करिकुलम। ये आता है कोर स्कूल कलम से। फिर एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एम्पथी जो है वो आप हायर एजुकेशन में देखते हो, और जो एसेंशियल एम्पथी है वो फिर आपको अपनी कॉर्पोरेट लाइफ और डेली कम्युनिटी एंड सिटीजनशिप में होती है। सो जो हमारे माशरे के अंदर जैसे एट्रीब्यूट्स हैं रिस्पेक्ट के, हकूकुल इबाद, हकूकुल्लाह, सो दे आर ऑल्सो वेरी क्लोज टू एम्पथी एज वेल। तो जैसे उन्होंने बात की कि पहले ज़माना था डिग्रीज का, फिर ज़माना आया स्किल्स का, अब ज़माना आया एम्पथी का। तो ये एम्पथी इज इम्पॉर्टेंट इवन इफ द स्टूडेंट इज परसुइंग अ डिग्री और इज परसुइंग अ स्किल क्वालिफिकेशन एज वेल। सो एम्पथी इन अ मॉडर्न डे वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज द इक्विटी एंड इंक्लूजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड द डिवाइडेड मॉडर्न डे अर्बन वर्ल्ड विल इंक्रीज। योर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। ये जो आपका वर्ड्स का सिलेक्शन है, जो आपका कॉन्टेंट है, ये आपका कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस क्या है? मतलब जो आप कंटेंट दे रहे हैं और ये जो मैं देख रहा हूँ कि हर चीज़ में आपके पास एक फ्रेज है और नई वोकैबुलरी है, मैं तो मैं खुद भी थोड़ा सा परेशान महसूस कर रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजी क्या है, ये आए कहाँ से? वर्क इन प्रोग्रेस, हर लेवल और हर डिपार्टमेंट में पंगा किया है।
पाकिस्तान वापस आया, मैंने कहा कि बच्चों को क्या पढ़ा रहे होते हैं ये कंप्यूटर साइंस का करिकुलम, MO-SE माउस, ये माउस है बेटा, ये प्रिंटर है, ये रैम है, तो ये LAN लैन है, ये क्या निसाब है भाई? वर्ड होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वर्ड होता है डिजिटल इलिटरेसी। तो मैंने इंटेल के साथ वर्ल्ड वाइड एक निसाब लिखा। माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन का मैं सबसे बड़ा पाकिस्तान में पार्टनर हूँ, आई बीन रिकग्नाइज बाय द प्रेजिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, और 1300 टीचर्स को मैंने माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेशन एक्सपर्ट बनाया। चीन में गया, मेरे दोस्त थे पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान साहब जो आजकल अमरीका में हैं, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप चीनी जबान पढ़ाएं। तो मैं वहाँ पे लोग शॉपिंग करके लाते हैं चीन से, मैं चीन से एक चाइनीज टीचिंग कपल एजन एंड जर्सन को अपने साथ तो नहीं, दो हफ्ते बाद पाकिस्तान ले आया। Amazing. और वहाँ पे मसूद खान साहब ने उनको वीज़ा दिया और मैंने स्कूल में 25 बच्चों को चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ानी शुरू की। Wow. अब अल्हम्दुलिल्लाह देवर 8,000 स्टूडेंट्स लर्निंग चाइनीज़ लैंग्वेज। चीन के हानबान ने मुझे चाइनीज़ टीचिंग प्रोग्राम का सदर बनाया और चीन के सदर शी जिनपिंग जब पाकिस्तान आए उन्होंने मुझसे मिले और मुझे रिकग्नाइज़ किया। अब जब से ये कराची यूनिवर्सिटी में हमला हुआ है, हमारी जो फॉरेन लैंग्वेज चाइनीज़ फैकल्टी है जो बीजिंग से आई हुई थी, हानबान जो चाइना का इदारा है, अब ये वापस गए हुए हैं, तो नुकसान किसका? उसका। जर्मन लैंग्वेज में बच्चों को स्कूल में पढ़ाता हूँ क्योंकि जर्मनी के अंदर बर्थ रेट नेगेटिव है और हमारे बच्चों को वहाँ पर फ्री हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है। बच्चों को गाड़ियाँ तो बहुत पसंद है, मर्सिडीज़, BMW, Audi, ते क्या नाम है, Porsche, तो ये सारी जर्मन गाड़ियाँ हैं। आगे जर्मनी के पास सिट लोग नहीं हैं, तो उनको उन दुनिया के स्कूलों से बच्चे चाहिए जो जर्मन लैंग्वेज सीख के आएँ और जर्मन सोसाइटी में मेन स्ट्रीम हो सकें, सो दैट दे कैन क्रिएट एंड बी पार्ट ऑफ द नॉलेज इकोनमी। ये जो स्कूल्स होते हैं ना जी, ये नॉलेज सोसाइटी बनाते हैं और यूनिवर्सिटियाँ नॉलेज इकोनमी बनाते हैं। ये वजीर नॉलेज इकोनॉमी नहीं बनाते, नॉलेज इकोनॉमी यूनिवर्सिटियां और इल्म से चलते हैं। अगर कोविड आया है तो कोविड का सलूशन भी तो रिसर्च से आना है ना, तो रिसर्च कहाँ इंक्यूबेट होती है? वो तालीमी दर्सगाहों और तदरीस के ऊपर इंक्यूबेट होती है। तो ये वोकैबुलरी, ये वर्ड्स, मैं पूरी दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर आई बीन अ यंग ग्लोबल लीडर, स्टेट ने मुझे बहुत रिकग्नाइज की, 33 साल पे हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा। 35 साल की उम्र में मेरा नाम दुनिया के 500 मुसलमानों की लिस्ट में आया। उस टाइम मैं साउथ कोरिया में एक लेक्चर डिलीवर कर रहा था, कुछ लोगों ने टीवी पे कहा फैसल साहब तो और मुसलमानों की फहरिस्त, तो मैंने भी कहा दीन में दाढ़ी है, सुन्नत है, पर ज़रूरी नहीं हर दाढ़ी में दीन हो। क्या बात। उसी तरह मैं बच्चों के साथ मेहनत करता रहा, फिर एक दिन मैं इंटरिम हुकूमत में वज़ीर भी बन गया पंजाब में। अभी रिसेंटली मुझे बरतानिया की आला तरीन यूनिवर्सिटी ने इजाज़ी PhD एजुकेशन का पूरी दुनिया में खिताब दिया है। तो मैं वो पाकिस्तानी हूँ कि मैंने खाली एक काम किया है, तालीम, तालीम और तालीम, और मैंने तालीम की रसाई खाली अर्बन प्रिविलेज लोगों के लिए नहीं, बट स्कॉलरशिप्स क्रिएट की, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की, हर तरह के बच्चों को सोशल मेन स्ट्रीम किया। जो बच्चा एक हम्बल बैकग्राउंड से हमारे जैसे इदारे में पढ़ता है वो अपग्रेड हो जाता है, वो फील नहीं होने देता, बच्चा बड़ी दूसरे से बहुत जल्दी सीखता है। मैं खुद कैडेट कॉलेज में रहा हूँ और वहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी होती थी, कोई बच्चा किसी अर्बन सेंटर से आता था, कोई रूरल सेंटर से आता था। तो पाकिस्तान के इदारों के अंदर इलीटिज्म कम होना चाहिए एंड सोशल मेन स्ट्रीमिंग ज़्यादा होनी चाहिए। सो मैं समझता हूँ कि यही सारी वो वैल्यूज़ एंड एट्रीब्यूट्स हैं कि आपने फैसला करना होगा कि डू यू बिलीव इन वॉट यू डू। So that's what I stood for and I am very happy and content. मैं क्लोजिंग की तरफ जाऊंगा इंटरव्यू के लेके, आखिरी मेरे दो सवाल हैं आपसे। इतना कुछ आपने ज़िंदगी में करा, थोड़ा सवाल भी पर्सनल और बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट और देखने वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। डैनियल पिंक ने किताब लिखी थी पावर ऑफ रिग्रेट, 16,000 लोगों को सर्वे किया, रिसर्च किया, उनसे पूछा उनके अफसोस क्या थे, तो पता चला कि 4 किस्म के अफसोस निकले और फिर लिखता है कि अफसोस होना बड़ा ज़िंदगी में ज़रूरी है। अगर रिग्रेट होगा तो आप रिडेम्पशन स्टोरी को लिखेंगे ना। यहाँ मैं बड़े बड़े सीनियर लोगों के इंटरव्यू सुनता हूँ, कहते हैं मेरी ज़िंदगी में कोई अफसोस नहीं है और मैं तो अल्लाह का शुक्र है। तो अगर अफसोस नहीं होता तो आप कभी वो चीज़ों को बेहतर नहीं कर पाते। बड़ा पर्सनल सवाल है, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अफसोस हैं जो रहे और आपको वो चीज़ें नहीं कर पाए, आप करना चाहते थे या कुछ करना चाहते हैं, ऐसा कुछ ऐसे अफसोस जो आप शेयर कर सकें, रिग्रेट्स? अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन ब्लेस्ड। यही है कि
बाल मेरे कम है, शायद मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता था वो मेरी बीवी मुझे नहीं कराना चाहती, एक ये रिग्रेट। दूसरा मेरा ये था कि आई शुड परस्यू अ PhD इन एजुकेशन। अल्लाह का ऐसा निज़ाम हुआ होगा वो मुझे किसी इदारे ने अता कर दी, तो कोई रिग्रेट्स नहीं। आई केम अप विद अ जनरेशन वेयर पीपल यूज टू लुक एट आइडियाज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। आई एम मैरिड, आई हैप्पीली मैरिड, आई एम ब्लेस्ड, माई वाइफ वर्क्स इन द एजुकेशन ग्रुप। वो कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज वन वुमेन, एंड आई थिंक बिहाइंड मी दे आर मल्टीपल। माई मदर, माई वाइफ, माई वर्क प्लेस इज वेरी डोमिनेटेड बाई अ लॉट ऑफ अर्बन वुमेन। एंड रिसेंटली ये ग्लोबल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड्स हैं, कराची बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें पार्टिसिपेशन के लिए हर इदारे को अपना नैरेटिव एंड बयानियाँ भेजना होता है। तो सारी मल्टी नेशनल कंपनीज ने, आगा खान, एंग्रो, इन सबको, JS ग्रुप, इन सबको अवार्ड्स मिले, तो सब ने ये लिखा हुआ था 2025 में 30 में हमारे इदारे में इतनी ख्वातीन होंगी और इतने मर्द होंगे, क्योंकि सबका फोकस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन में यही होता है जी ख्वातीन ज़्यादा हों। हमने ये लिखा कि हमारे इदारे में 70% ख्वातीन है, 2025 के अंदर हम चाहेंगे कि मर्दों की तादाद जो है वो ज्यादा हो, ख्वातीन की 60% हो, तो हम उसमें भी अवार्ड जीत गए, क्योंकि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वर्क्स बोथ वेज। सो मैं समझता हूँ आई एम ब्लेस्ड, एंड आई थिंक ये जो मेरे साथ जो ये ऑल दीज डायनेमिक प्रोफेशनल एंड अर्बन वुमेन, मैं पाकिस्तान की ख्वातीन का बहुत बड़ा फैन हूँ जी। अगर कोई काम करता है तो ये औरतें करती हैं, एंड दे हैव अ जनरेशनल इम्पैक्ट, एंड आई थिंक नाउ पाकिस्तान इज डूइंग वेल विद जेंडर एक्विटी एंड रिप्रेजेंटेशन, बट वक्त के साथ साथ एंड थ्रू मीडिया एंड अवेयरनेस एंड पीपल लाइक योरसेल्फ, आई थिंक वी नीड टू सी मोर वुमेन इन लीडरशिप इन ऑन बोर्ड एंड इन गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। आखिरी सवाल की तरह मैं पार्ट की तरफ आ जाऊँ, कराची में आपने एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की है माइट के नाम से, और आप कराची, आपका चक्कर भी ज़्यादा लग रहा है, रूट्स की भी मैं कैंपस कराची में देख रहा हूँ, कराची के हालात के बारे में क्या कहेंगे, मतलब कोई बेहतरी नज़र आ रही है या ये चीज़ें वर्स होंगी, क्योंकि आपको थोड़ा ताल्लुक पॉलिटिक्स से भी रहा है, आप काफ़ी ट्रैवल करते रहे हैं, क्या कहेंगे कराची के हालात के लिए, मतलब क्या होने वाला, क्या होने वाला, क्या आपकी एंड क्राइसिस एंटिसिपेशन क्या देख रही है, बिकॉज जो बिजनेस लीडर्स होते हैं वो क्राइसिस को एंटिसिपेट कर लेते हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्या नज़र क्या आ रहा है आपको? देखिए क्राइसिस तो कौमी सतह पर एक ही है, 18वीं तरमीम के इम्पेडमेंट्स के, सूबों को जब खुद मुख्तारी दी है तो सूबे अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, वो वफाक के साथ ये सूबाइत का सौदा ना करें, ये नंबर वन। बाकी ये है कि अगर रेजिलियंस के डेफिनेशन में कोई मीनिंग है तो उसका नाम है पाकिस्तानीज। तो हम पैदा होते सारी बताया जाता है पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, और वो बेशक गुजरता है लेकिन एडवर्सिटी ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी। सो द चैलेंजेस आर ह्यूज, स्पेशली इन द वेक ऑफ रीसेंट फ्लड्स, लैक ऑफ गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट, सिटी काउंसिल, KDA, बिल्डिंग कंट्रोल, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कुरंगी चीज़ें, एंड देन ये आप जो कह लें मगिंग, और ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन डिग्निटी की वैल्यू कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन मैं समझता हूँ एक लिमिट आती है, उसके बाद जो है द सिटीजन्स एंड द सिटीजन एक्शन ग्रुप्स, दे बिकम पोलिटिकल पार्टीज देमसेल्फ, एंड देन दे टेंड टू टेक कंट्रोल। तो हमारे जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जी वज़ीर आला सिंध का खाली इंटीरियर सिंध से हो, वो कराची से नहीं हो सकता, और जो गवर्नर हो वो एक पर्टिकुलर सेक्ट से और पार्टी से हो। तो मैं समझता हूँ मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, गुड गवर्नेंस एंड लीडरशिप शुड बी देयर विजिबल, कम्युनिटी फैसिलिटेशन शुड बी देयर। कराची हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर जी, कराची एक बहुत बड़ी रियलिटी है, कराची दुनिया का एक बहुत बड़ा शहर है, इट हैज़ सीरियस गवर्नेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, इट हैज़ सस्टेनेबल एंड अर्बन प्लानिंग इश्यूज, इट हैज़ लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज एक्सेप्टेड, बट आप एक ज़मीन को, एक इंसानियत को, एक माशरे को, एक शहर को आप दुनिया के नक्शे से जुदा नहीं कर सकते। सो इफ़ कराची हैज़ टू ग्रो, इट हैज़ टू ग्रो अपवर्ड्स एंड टूवर्ड्स द बेटरमेंट, बिकॉज द वर्स्ट ऑफ कराची we have seen recently, 70s and 80s mein it was a dream, yahi Dubai and Middle East Karachi se learn karta tha ki tallest building kaise hoti hai, humne apni deterioration 30 saalon mein dekhi hai 90s se leke ab tak, main samajhta hu with the new leadership we have in the politics, these the, all the younger generation of our political elites, ye acche hain, ye they have empathy, ye jo aapka word hai na empathy, so I think foreign minister Bilawal Bhutto saab has empathy,
एंड आई थिंक मरियम नवाज साहिबा हैज़ एम्पथी एंड आई थिंक दीज द चिल्ड्रन जिनको लोग कहते हैं मारूसी सियासत बट इसके फ़ायदे भी होते हैं द चिल्ड्रन आर एजुकेटेड दे आर एम्पावर्ड दे हैव अ डिफरेंट परस्पेक्टिव एंड आई एम श्योर दे विल डिलीवर टू द प्रोमिस ऑन द बेसिस ऑफ विच दे आर इलेक्टेड. Beautiful. Last, and thank you so much for your time, but last question I would say, how do you envision education Pakistan in 2050? Matlab agle 20-30 saalon mein aap Pakistan ko education ko Pakistan mein kahan dekh rahe hain? Because I think you are a broader vision. I can see your vision is way, way broader. Aapko kya nazar aa raha hai? Main 2030 batata hoon. Pehle to hamare 2.5 crore bachche out of school hain. Phir hamari learning poverty bahut zyada ho gayi aur learning losses. Ye learning poverty kya hoti hai ji? Learning ki ghurbat. भाई वो ये है कि बच्चे एक्सेस ही नहीं है. अच्छा, अब जब मैं हमेशा कहता हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है वो दे आर बॉर्न एज अ सब्जेक्ट, वो एज अ सब्जेक्ट पैदा होता है, नॉट एज अ सिटीज़न. तालीम और तदरीस और सिटीजनशिप और कम्युनिटी, एक माशरा उसको एक शहरी बनाता है. आप सब्जेक्ट पैदा होते हैं और आपने शहरी की तरफ सफ़र करना होता है, तो इलिटरेसी जब आपके साथ होती है तो आप शहरी तो बन ही नहीं सकते. तो ये 2.5 crore बच्चा जो है ये सब्जेक्ट्स है. जब तक इस सब्जेक्ट्स को आप सिटीजन्स नहीं बनाओगे, उनको लिटरेसी नहीं दोगे, बेसिक फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25A, रीड टू एबिलिटी टू रीड राइट एंड कॉम्प्रिहेंड, किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की. अब स्टेट जो है सरकार, सूबों की जिम्मेदारी है. सबसे इंपॉर्टेंट आदमी सूबे का एजुकेशन मिनिस्टर, सेक्रेटरी सूबा और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, इनको पब्लिक स्कूलों के स्टैंडर्ड को बेहतर करना है. आज की पाकिस्तान की लीडरशिप इन्हीं मिशनरी स्कूलों से, इन्हीं पब्लिक स्कूलों से, इन्हीं कम्युनिटी स्कूल से बनी है. एक और बात भी करता चलूं, ये डेवलपमेंट सेक्टर और सोशल सेक्टर की बेतहाशा कंट्रीब्यूशन है और मिशनरी सेक्टर की बेतहाशा कंट्रीब्यूशन है. कहने को तो पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, बट नॉन मुस्लिम्स हैव कंट्रीब्यूटेड हैवीली द मिशनरी स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान टू वेयर वी स्टैंड टुडे. तो सबसे पहले सरकारी स्कूल की आप लोगों को स्टैंडर्ड को बेहतर करना पड़ेगा. मिसिंग टीचर, गो स्कूल्स, बच्चों को लिटरेसी, उनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा. प्राइवेट सेक्टर से सीखें, प्राइवेट सेक्टर से हसत ना करें, उनको ऑन बोर्ड लें और उनको बोलें कि आप हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग में. इसको मैं अंग्रेजी में कहता हूँ, एक बार पंजाब में मैंने इंटरव्यू दिया था कि गवर्नमेंट नीड्स द पॉलिटिकल विल, देन दे नीड द राइट पीपल, सोशल स्किल, देन द गवर्नमेंट शुड पे द इकोनॉमिक बिल. पैसा लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है, बट ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन कैपिटल से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कौमों के पास नहीं होता. सो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन नंबर वन प्रायोरिटी, वरना जैसे पोलियो में आपकी पाबंदी है दुनिया में, वो कहेंगे आप इलिटरेट हो, आपको पासपोर्ट ही नहीं इशू होगा. दूसरा है सरकारी स्कूल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, तीसरा है निसाबी रिफॉर्म, एंड चौथा है कि टीचर्स को कैपेसिटी बिल्ड करें, उनको माशरे में हैसियत दें. आप टर्किश वीडियोस तो बहुत देखते हैं कि पायलट ने अपने उस्ताद को बहुत इज्जत दी, और जर्मनी, और आप एग्जांपल देते हैं जर्मनी की और जापान की, तो हम पाकिस्तान में साथ के साथ क्या करते हैं? हम उनको हथकड़ी लगाते हैं, हम उनको शेम करते हैं. साथ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए जैसे डॉक्टर्स की होनी चाहिए. इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि नेशनल एजुकेशन एमरजेंसी. सो अगर मेरा तो एक बार मैंने ये भी कहा था एक चाइनीज फोरम पे कि मेरे लिए सीपैक का मतलब सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन कॉरिडोर है. जब तक सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन कॉरिडोर नहीं बनेगा तो मेरा मुल्क सीपैक नहीं बनेगा, क्योंकि ये उसको गेम चेंजर कहते हैं. गेम चेंजर कौमें तब बनती हैं जब उनके पास नॉलेज एंड उसके पास लिटरेसी की इक्विटी होती है, और उसकी बेसिस के ऊपर दे क्रिएट प्रोडक्टिविटी एंड बाय डेवलपिंग एंड री एनफोर्सिंग द आपका जो है अपना GDP. थैंक यू सो मच फैसल साहब फॉर टेकिंग आउट सम टाइम. आई थिंक बहुत से सवाल मेरे जहन में माइंड बॉगलिंग करने, पर मुझे लगता है कि आपका वक्त बहुत कीमती है. मैं आपको दोबारा ज़रूर चाहूँगा कि आपके साथ कुछ डिस्कशन की जाए, पर थोड़े स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो. आप इनको सर्च आउट कर सकते हैं, बहुत सारा कॉन्टेंट का ऑनलाइन अवेलेबल भी है, देख सकते हैं. सो विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू सो मच.